हाय एवरीवन, माय नेम इज एकता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ माय होम माय स्टाइल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आ गई हूँ एक और मित्रा कुर्ता सेट का रिव्यू लेके। ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं दो पार्ट और लेके आ चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। और अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट की तो मैं यहाँ कहीं आई बटन पर लिंक कर दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं आज कुर्ता सेट्स का रिव्यू करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल है माई लाइफ माई होम माई स्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉल भी कर चुकी हूँ, मित्रा हॉल कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। सबका मैंने हॉल किया था, सबके बारे में मैंने बताया था कि किस तरह का ये फैब्रिक है, कैसा है। तो अगर आपको वो देखना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कुर्ता सेट है वो है ये ग्रे और मस्टर्ड येलो कलर का कुर्ता सेट। जब ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन ग्रे येलो और इसमें थोड़ा ग्रीन का भी टच है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और प्योर कॉटन का ये कुर्ता सेट है, बिल्कुल जो खादी वाला कॉटन होता है ना, जो बहुत अच्छा होता है समर्स के लिए, वो वाला इसका कॉटन फैब्रिक है। और ये है इसका कुर्ता, और कुछ इस तरह से इसमें नेक पे डिटेलिंग थी, इस तरह से यहाँ पे आपको बटन मिल गया था। और हाफ स्लीव्स है, 3/4 भी बोल सकते हैं, यहाँ तक आ रही है। और स्ट्रेट कुर्ता है पूरा, इस तरह से इसमें मस्टर्ड येलो कलर से कुछ प्रिंट हुआ हुआ है छोटा छोटा सा दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों। और ये ओवरऑल जो कुर्ता है ना, काफ़ी अच्छा रहा है। इसे मैं काफ़ी टाइम वॉश कर चुकी हूँ, 7-8, इससे भी ज़्यादा वॉश हो चुका होगा। अभी इस टाइम पे मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा वेयर किया है और अच्छा रहा है इसका फैब्रिक। और जो मैंने साइज़ लिया था वो एल लिया था, ये काफ़ी लूज़ था मुझे। तो अगर आप एल साइज़ के हैं तो एक साइज़ कम लीजिएगा। और जो ये ब्रांड है वो गेरुआ ब्रांड का है, तो गेरुआ ब्रांड में जो मुझे परफेक्ट साइज बैठता है वो एम बैठता है। तो अगर आप एल साइज़ के और मेरे जैसे हैं तो आप एम साइज़ परचेज़ कीजिएगा। बात कर लेते हैं इसके प्लाजो की। तो प्लाजो कुछ इस तरह का है, आगे इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है और दोनों तरफ आपको पॉकेट मिल गई हैं, इस तरह से प्लाजो है। काफ़ी अच्छा, ये भी प्योर कॉटन का फैब्रिक है और दोनों में से किसी का भी कलर नहीं निकला है, ना कुर्ता का निकला है ना प्लाजो का निकला है। ये बहुत अच्छा रहा है और मैंने इसे मशीन से वॉश किया है। एक बार भी मैंने इसे हैंड वॉश नहीं किया, डायरेक्टली मशीन में डाला था। और काफ़ी अच्छा रहा है ये वाला कुर्ता सेट। तो जो इसका MRP था वो 2999 का था, मीन्स 3000 का MRP था, लेकिन ये मुझे मिला था 899 रुपीज़ में, बिलो 1000 का। ये कुर्ता सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और मेरे तरफ से बिग थम्स अप है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहा है ये। तो फर्स्ट कुर्ता सेट ये था। सेकेंड कुर्ता सेट है ये ऑफ वाइट कलर और डार्क ग्रीन कलर का ये वाला कुर्ता सेट। ये भी सेम ब्रांड से है, गेरुआ ब्रांड से है। और इसके साथ आपको मिल जाता है ट्राउज़र है और इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है कुछ इस तरह से। और वन साइड में आपको पॉकेट मिल जाएगी, इसमें एक ही तरफ पॉकेट है, नहीं दोनों तरफ इसमें पॉकेट है। और ये मैंने एक या दो बार वॉश किया है, अभी इसे ज़्यादा वॉश नहीं किया है, क्योंकि ये ना थोड़ा फैब्रिक, इस लिखा तो प्योर कॉटन था लेकिन प्योर कॉटन नहीं है, कुछ मिक्स है इसके अंदर। जब मैंने समर्स में से पहना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी इसे पहनने के बाद, तो मुझे नहीं लगता ये प्योर कॉटन है। और इस वे प्लाजो में से हल्का सा कलर निकला था, ज़्यादा नहीं निकला कलर, लेकिन कलर निकला था। और फिर बात कर लेते हैं इसके कुर्ते की। इसका जो डिज़ाइन था ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, कुछ इस तरह के जो ज़िगज़ैग डिज़ाइंस होते हैं ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कुछ इस तरह से ये कुर्ता है और इस तरह से नेक पे डिटेलिंग हो रखी है, और आपको ये टाई करने के लिए थ्रेड्स मिल जाएंगे। और स्ट्रेट कुर्ता है, दोनों तरफ सेम प्रिंट हो रखा है, इस तरह से इसकी स्लीव है। और ये भी मैंने एल साइज़ परचेज़ किया था, ये भी मुझे बड़ा है काफ़ी, तो आप एम साइज़ परचेज़ कीजिएगा गेरो बैंड में, अगर आप मेरे साइज़ के हैं तो। ये इसका बिल्कुल भी कलर नहीं निकला, ऑफ वाइट कलर क्या ही निकलेगा। और एक या दो बार ही मैंने वॉश किया है, मशीन वॉश ही किया है मैंने इसे, हैंड वॉश नहीं किया है। और एक और बात, इसका जो प्लाजो का जो कह सकते हैं स्टिचिंग है ना, थोड़ी सी गड़बड़ है, ऊपर नीचे से इसकी स्टिचिंग है,
प्रॉपर इसकी स्टिचिंग नहीं है, लेकिन पहनने के बाद इतना पता नहीं लगा। जब मैं इसे आयरन कर रही थी तब मुझे इसे इसका पता लग रहा था कि ये थोड़ा सा स्टिचिंग में गड़बड़ है इसकी। बाकी ओवरऑल कुर्ता सेट आप डेली वेयर के हिसाब से ले सकते हैं, अच्छा था। और जो इसका जो MRP था वो 2299 का था, मीन्स 2299 रुपीज़ का था, लेकिन ये मुझे पड़ा था 1034 रुपीज़ में। ये ही एक कुर्ता सेट था जो अबव 1000 का था, बाकी सारे बिलो 1000 के थे, जो भी मैंने अक्टूबर के टाइम पे दशहरे के टाइम पे परचेज़ किए थे लास्ट ईयर। तो सेकंड कुर्ता सेट ये था, ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया फैब्रिक वाइज, क्योंकि आप समर में इसे नहीं पहन सकते, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ना चिपक रहा था ये बॉडी से, तो इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आया। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है वो है ये ब्लू कलर का कुर्ता सेट। उस टाइम पे मैंने इसे शायद बोला था कि अगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी तो ये वाला कुर्ता सेट नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो भी मिक्स है, बट इस वाले से बेटर है ये, तो बहुत ही ज़्यादा वो था, लेकिन समर में इसे पहनने में इसे काफ़ी कम्फर्टेबल हो रहा था, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल था ये वाला कुर्ता। तो कुछ इस तरह से ये ए लाइन कुर्ता है, पूरा इस तरह से डिज़ाइन हो रखा, प्रिंट हो रखा है इसमें, और बीच में से आपको मिल जाएगा इस तरह से डिटेलिंग जो आप इससे टाइप कर सकते हैं, इस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो ओवरऑल कुर्ता अच्छा था, पीछे से आप ये क्लोजर दिया हुआ है बटन का, और 3/4 इसकी स्लीव है, और ये भी बहुत लूज था, मुझे एल साइज में लिया था, और इसका कलर नहीं निकला है। बात कर लेते हैं इसके प्लाजो की, तो प्लाजो में से इसका कलर निकला है, प्लाजो का इसका कलर निकला है, और एक तरफ इसमें नहीं, इसमें आपको पॉकेट नहीं मिली है इस वाले प्लाजो में, और प्लाजो का जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन का है, लेकिन कुर्ते का प्योर कॉटन नहीं है। और ये ब्रांड है आसी हाउस ऑफ नायो, ये डिफरेंट ब्रांड का था, और जो इसका MRP था वो 2199 का था, मीन्स 2200 रुपीज़ का था, लेकिन ये मुझे पड़ा था 989 रुपीज़ में। और मेरी तरफ से इसको ओके है, मीन्स एकदम से थम्स अप नहीं है, क्योंकि जो इसका ओवरऑल व्यू आता है ना, जब आप ओवरऑल देखते हैं पहन के, तो खास नहीं आता, क्योंकि ए लाइन कुर्ता है और यहाँ से आपको डिटेलिंग है, तो आपको टाई करते हैं, तो थोड़े से हैवी जो लोग हैं, हैवी बस के लोग हैं, उन पे ये अच्छा नहीं लगेगा। और एक और बात, जितने भी कुर्ता सेट है ये कहीं से भी टियर नहीं हुए हैं जब मैंने इन्हें वेयर किया है, कहीं से भी इनका स्टिचिंग वगैरह नहीं निकली है। जो फर्स्ट वाला है वो तो मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, बाकी दोनों ओके हैं। और ये वाला जो कुर्ता सेट है ऑफ वाइट कलर का, वो आप विंटर्स में ट्राई करके देख सकते हैं, हो सकता है विंटर्स में सही रहे, लेकिन मुझे लगता है ये वाला जो फैब्रिक है ना, विंटर्स में ज़्यादा ठंड लगेगी और समर्स में गर्मी लगेगी, कुछ इस तरह का इसका फैब्रिक है। तो ये था आज का रिव्यू मित्रा कुर्ता सेट पे, होप आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, बाय, टेक केयर।